मौसम कराची का जो हो रहा है वो बहुत आशिकाना हो रहा है। दाल चावल पके हुए हों तो तली हुई मिर्चें ना हों तो ये बड़ा जुल्म है, खास तौर पे मर्द हजरात के लिए। तो जल्दी जल्दी हो और आपका खाने का दिल चाह रहा हो तो सिर्फ नमक लें और जीरा लें और उसको यूँ मिक्स करें, अंदर अंदर तो मिक्स करें और ये रख दें। और जैसे शुड़ 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 की आवाज़ आती है ना, वो तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। वो जैसे वो पठान भाई कहते हैं ना, जख्मी जख्मी शाइस्ताबादी वाली आवाज़ आती है। अभी और भी हैं लेकिन एक मसाला होता है जिसमें खटाई होती है, ज़ीरा होता है और साबुत धनिया होता है, सौंठ होती है, वो बहुत लाजवाब होती हैं। लेकिन एक होता है ना कि हाँ भाई बेगम बेचारी अकेली काम करने वाली है और कोई नहीं है साथ में, तो आप ये झटपट तैयार कर सकते हैं बेगम के साथ। ये तो बेगम अकेले भी कर सकती हैं लेकिन ये वाली जो मिर्चें होती हैं ना, वो जो आदमी होते हैं ना, तो कभी कभार कोई छोटा मोटा सा काम करते हैं, छोटा छोटा सा, ये कभी कीमा भून लिया, कभी बोटियाँ बना ली, तो वो बहुत लाजवाब होता है खाना। और बीवी भी खुश हो जाती है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, भाई बहन भी खुश हो जाते हैं अगर साथ में होते हैं तो। वैसे इस खाने का भी अपना ही मज़ा होता है कि जब अम्मा खुद पका रही हूँ और कभी कभार बच्चे, खासतौर पर लड़के कुकिंग कर रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए कि जब अम्मा बहनें रेगुलर कुकिंग कर रही हूँ तो कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि लड़कों को, घर के लड़कों को, मर्दों को कुकिंग करके अपनी माँ बहन को खिलाना चाहिए। ये जो आता है ना, अब ये हो जाएगा फ्राई, फिर हम इसमें से जो जीरा निकल के गिरेगा वो गिरेगा, लेकिन जब ये पूरी हो जाएंगी उसके बाद हम ऊपर से ज़ीरा और डालेंगे तो वो हल्का हल्का लाइट ब्राउन सा होगा, कुरकुरा सा, तो वो बहुत मज़े का लगेगा।